मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे कि इसकी वर्ब विफॉर्म्स का प्रयोग कैसे होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जैसे पहले ही आपको बताया गया है कि आई के साथ एम, ई सी ईट के साथ इज और वी यू दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट वाक्य जैसे है आई खाली स्थान गो टू दी स्कूल, तो इसमें यदि वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है और फॉर्म का, तो ये वाक्य बनेगा आई एम गोइंग टू दी स्कूल, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वैक्स में यदि गो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है और ये वाक्य कंप्लीट करना है तो आई आई के साथ एम, आई एम गोइंग टू दी स्कूल। और दूसरा वाक्य है ही खालिस्तान में एक एकाइट, तो ही सीट के साथ इज का प्रयोग होता है जैसे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनेगा, ही इज मेक का बन जाएगा मेकिंग, एम ए के आई एन जी मेकिंग ए काइट, ही इज मेकिंग ए काइट। तीसरा सी खालिस्तान पेंट पिक्चर, तो सी इज आई एस इज पेंटिंग, पी ए आई एन टी आई एन जी पेंटिंग, सी इज पेंटिंग ए पिक्चर, सी इज पेंटिंग ए पिक्चर। और नेक्स्ट वाक्य बनेगा इट खालिस्तान जैसे ब्रैक्स में रेन, तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। और नेक्स्ट वाक्य वी खालिस्तान रीड ए बुक, तो वी आर रीडिंग ए बुक, क्योंकि वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, तो वी आर रीडिंग ए बुक। गला वाक्य बनेगा यू खालिस्तान सिंग ए सॉन्ग, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, यू भी बहुवचन है तो आर लगेगा, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग होता है। उसके बाद दे खालिस्तान लुक हैप्पी, दे आर लुकिंग हैप्पी, दे आर लुकिंग हैप्पी, दे आर लुकिंग हैप्पी, दे आर लुकिंग हैप्पी। उसके बाद नेगेटिव जो सेंटेंस है खालिस्तान आई खालिस्तान नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद, तो ये वाक्य है आई खालिस्तान नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, नहीं बड़े वाक्य बनाने हैं, ही खालिस्तान मेक ए काइट जैसे, तो इसमें बन जाएगा ही इज मेकिंग ए काइट, ही इज नॉट मेकिंग ए काइट, तो पहला बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा ही खालिस्तान मेक ए काइट, यदि इसका नेगेटिव बनाना है, नहीं बड़ा वाक्य बनाना है, वह तंग नहीं बना रहा है, तो ये बनेगा ही इज नॉट मेकिंग ए काइट। उसके बाद सी खालिस्तान पेंट ए पिक्चर, इसका नेगेटिव बनाना है तो ये बनेगा सी इज नॉट पेंटिंग ए पिक्चर, इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो सी इज नॉट पेंटिंग ए पिक्चर्स। आगे इट खालिस्तान रेन, तो इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। उसके बाद अगला वाक्य है वी खालिस्तान रीड ए बुक, तो वी के वी बहुवचन है, उसके साथ आर का प्रयोग होगा, वी आर रीड नॉट रीडिंग ए बुक, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नहीं बड़ा नॉट का प्रयोग करके, वी आर नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग ए बुक। आगे यू खालिस्तान सिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव इसका बनाना है, यू आर नॉट सिंगिंग, यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद अगला वाक्य है दे खालिस्तान लुक हैप्पी, दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी, दे के साथ आर का प्रयोग, दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी, तो इसका ही नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर हम चर्चा करें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इज एम आर को पहले निकाल देते हैं और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग करते हैं, जैसे खालिस्तान आई गो टू स्कूल, तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या बड़ा बनाना है, तो इसका एम पहले निकलेगा, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। सेकेंड वाक्य ही खालिस्तान मेक ए काइट, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है इंटरोगेटिव में, ये कैसे कंप्लीट होगा, इज एम आर पहले निकलेगा, ही से पहले इज ही मेकिंग ए काइट, इज ही मेकिंग ए काइट, इज ही मेकिंग ए काइट बनेगा। उसके बाद खालिस्तान सी पेंट ए पिक्चर, तो सी ई सी से पहले इज निकलेगा, इज सी पेंटिंग ए पिक्चर, क्या वह एक तस्वीर बना रही है, पेंट कर रही है, क्या वर्षा हो रही है, इससे पहले इज निकलेगा, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। और आगे भी खालिस्तान रीड ए बुक, उससे पहले क्या हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, तो आर वी रीडिंग ए बुक, क्या हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, वी से पहले आर निकलेगा,
रीड का रीडिंग, आर वी रीडिंग ए बुक। उसके बाद अगला वाक्य खालिस्तान यूजिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यू से पहले आर निकलेगा, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गा रहे हो। उसके बाद अगला वाक्य है खालिस्तान दे लुक हैप्पी, तो आर दे से पहले आर निकलेगा, आर दे लुकिंग हैप्पी, आर दे लुकिंग हैप्पी। तो पहले बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे जिसमें इज हमारा हम सब्जेक्ट से पहले निकालते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो नहीं बड़े भी हैं और क्वेश्चन मार्क चिन्ह बड़े भी हैं दोनों में, जैसे आई खालिस्तान, आई फिर खालिस्तान, गो टू स्कूल। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इज हमार को पहले निकालेंगे हम, आई से पहले जैसे एम निकलेगा, एम आई फिर नॉट लगेगा, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो क्या भी और नहीं भी दोनों वाक्य हैं, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में इज हमार से पहले जो हम सब्जेक्ट से पहले इज हमार निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग करते हैं। तो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला वाक्य है खालिस्तान ही मेकिंग ए काइट, तो ही से पहले इज निकलेगा, इज ही नॉट मेकिंग ए काइट, क्या वह एक पतंग नहीं बना रहा है। उसके बाद खालिस्तान सी पेंटिंग ए पिक्चर, इज सी से पहले इज निकलेगा, इज सी नॉट पेंटिंग ए पिक्चर, क्या वह एक तस्वीर नहीं पेंट कर रही है। उसके बाद खालिस्तान इट रेन, क्या वर्षा नहीं हो रही है, तो इट से पहले निकलेगा, इज इट नॉट रेनिंग, इज इट नॉट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही है। खालिस्तान वी खालिस्तान रीड ए बुक, क्या हम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें आर वी नॉट रीडिंग ए बुक, वी से पहले आर निकलेगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर रीड का आई एन जी लगेगा रीड के साथ, तो आर वी नॉट रीडिंग ए बुक। उसके बाद खालिस्तान यू सिंग ए सॉन्ग, तो यू से पहले आर निकलेगा, आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम ये गीत नहीं गा रहे हो। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस बनेंगे। खालिस्तान दे खालिस्तान लुक हैप्पी, क्या वे कुछ दिखाई दे नहीं दे रहे हैं, आर दे नॉट लुकिंग हैप्पी, आर दे नॉट लुकिंग हैप्पी। तो अरे बच्चों आपके पास जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहले सिंपल वाक्य कराए गए जिसमें वर्ब का प्रयोग करना, जैसे आई के साथ एम लगेगा, आई एम गोइंग टू दी स्कूल्स, ही खालिस्तान मेकिंग ए काइट, ही इज मेकिंग ए काइट, फिर सी इज पेंटिंग ए पिक्चर, इट खालिस्तान इट इज रेनिंग, वी खालिस्तान वी आर रीडिंग ए बुक, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग्स, दे आर लुकिंग हैप्पी। फिर नेगेटिव सेंटेंसेज कराए, नॉट का प्रयोग होगा, नेगेटिव में आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल्स, ही इज नॉट मेकिंग ए काइट, सी इज नॉट पेंटिंग ए पिक्चर्स, इट इज नॉट रेनिंग, वी आर नॉट रीडिंग ए बुक, यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आपके पास कराए गए, इसमें एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, इज ही मेकिंग ए काइट, क्या वह पतंग बना रहा है, इज ही पेंटिंग ए पिक्चर, क्या वह पिक्चर को पेंट कर रही है, इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है, खालिस्तान आर वी रीडिंग ए बुक, क्या हम एक किताब पढ़ रहे हैं, खालिस्तान आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम ये गीत गा रहे हो, आर दे लुकिंग हैप्पी। तो इसमें इज हमार को पहले निकाल लेते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इज हमार को पहले फिर नॉट लगते हैं, दोनों इज हमार पहले निकाल लेते हैं वो इंटरोगेटिव बनेगा, फिर नॉट लगाते हैं नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनेंगे। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, जैसे इज ही नॉट मेकिंग ए फाइट्स, इज सी नॉट पेंटिंग ए पिक्चर्स, इज इट नॉट रेनिंग, आर वी नॉट रीडिंग ए बुक, आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, आर दे नॉट लुकिंग हैप्पी। तो पहले बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लास कराया था, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, फिर उसकी डिटेल कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाई जाती है, उसके बाद इसी तरह उसकी वर्ब की फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहे, ये आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।